हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमारा बालाकोट में स्टे पूरा हो चुका। अच्छा, हमने जितना यहाँ घूमना था घूम लिया, जो देखना था देख लिया। अच्छा बात नहीं है। उससे पहले हम जाएंगे नाश्ते की तरफ। यहाँ कोई एक खूबसूरत जगह है, पता नहीं कौन सी है, राशिद को उसका नाम पता नहीं। राशिद, वैसे उस जगह का नाम क्या है? भूल गया। अबे बता यार, भूल गया तू तो, वही बन रहा है। मेरा नाम क्या है? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? क्या लगता है इसको वाकई में याद नहीं है? चलो कोई नहीं, हम लोग चलते हैं नाश्ते की तरफ। पिछले 25 किलोमीटर से ये मुझे चलवाया जा रहा है, बोल रहा बस आने वाला वो होटल नाश्ते का। अभी तक वो होटल नहीं आया नाश्ते का। भाई कब आएगा बता दे, मैं इधर भूख से मर रहा हूँ और तू मजाक समझ रहा। बता यार, कहीं गलत तो नहीं आ गए? अबे साले तभी अबे ओ इंसान का बच्चा बन जा। ये देख इस बेचारी को, देख वे इस पे कुछ तरस खा ले। वो हम पे तरस नहीं खा रही यार। यार इसको हम 70 से ऊपर नहीं चला रहे, क्योंकि हम थोड़ा सेफ ड्राइव करते हैं। हमें डर लगता है ज्यादा भगाने से, वो पर सेवी 125। अच्छा, हमको सिखा रही है। हम इसको ज्यादा नहीं चलाते, बहरहाल बस पहुंचने वाले हैं। तकरीबन कोई 12-13 किलोमीटर का सफर होगा। हाँ 10 किलोमीटर ही है। चले 10 किलोमीटर का सफर रह गया, बस पहुँचते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए हैं। ये सामने लगाया हुआ पूरा सेटअप नाश्ते का, इतना ठंडा पानी। ये थोड़ा व्यू दिखा यार, जहाँ नाश्ता करने आए। ऊपर का दिखा थोड़ा सा व्यू। बस यहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे इतनी खूबसूरत जगह पे। यार इस जगह का नाम क्या है राशिद? यार पता नहीं, बस वाटरफॉल है। वाटरफॉल आई थिंक इस जगह का नाम है। हम तो लोकेशन पे ट्रैक करके आए और कुछ किया है। इतनी खूबसूरत जगह, ये नारायण कागान से पीछे आती है और बालाकोट से आगे समझो सेंटर में ये पड़ रही है। इतनी कदर खूबसूरत जगह है, कदर खूबसूरत। ये पहाड़ों का बहता हुआ पानी, पानी से नीचे उतरते हुए ये चारपाई है, ये टेबल, ये कुर्सी है। अरे भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। नाश्ता आ चुका है, अभी नाश्ते की बारी है। पराठे चाहिए और अंडा नहीं मंगवाया यार? एक अंडा ले यार, एक अंडा। हाँ बोलो, अंडा रह गया था, अंडा मंगवा लिया। चलो जब तक शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि खाने को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जितना इंतज़ार कराएंगे गुना ना मिल जाए, कि खाना नाराज़ ना हो जाए। नीचे पानी पानी है, मेरे शूज गीले हो गए सारे, जा पाओ रख रहा हूँ, वहाँ गीले होते जा रहे हैं। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। ऐसा हमारा नाश्ता कंप्लीट हो चुका है, अब हमारी यहाँ से मंजिल चलेगी सीधा नारायण कागान की तरफ। पहले तो कागान जाएंगे, नारायण तो अगले दिन स्टे करेंगे, बाकी कागान की तरफ जा रहे हैं। बस नाश्ता कंप्लीट हो गया, वाटर की भी आई, वाटरफॉल का इतना ही हमारा था साथ। बाकी यहाँ का ब्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं, बाकी अगला हम कागान का ब्लॉग बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके भेजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।